वेलकम बैक. तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है टॉप 20 सेलिंग एसयूवीज जनवरी 2022. टाटा एंड महिंद्रा का एक तरफा राज. तो अरे वही हमने अभी रिसेंटली तो वीडियो की थी ना, जिसमें हमने कहा था कि भैया हुंडई कैसे जो है इतनी आगे है, जबकि टाटा को और महिंद्रा को आगे होना चाहिए. तो आपके कमेंट्स भी आ रहे थे, तो आपने कहा कि नहीं आप ये वाली वीडियो देखो. आपने नहीं, अगर जैसे उन्होंने मार्केट शेयर दिखाया था और जो मारुति सुजुकी है उसकी पेरेंट कंपनी सुजुकी है, क्योंकि सुजुकी के पास 50% से ज्यादा उसमें स्टेक है, तो काफी मतलब मेरे को तो वाकई लगता है कि ये मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मारुति सुजुकी ले रहे हैं बट एक्चुअली पेरेंट कंपनी लिखा रहा है सुजुकी ऑफ जापान. तो ये भी आपको लग रहा है कि मतलब आपकी मार्केट जो है इतनी सारी मारुति ने ले रखी, वो फॉरेन कंपनी, उसके बाद हुंडई दिखा रहे हैं वो फॉरेन कंपनी, तो अपनी जो मेक इन इंडिया वाली कंपनीज हैं उनको आगे ले जाना बहुत जरूरी है. चलो तो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. ₹2022 के पहले महीने काफी सारे चेंजेस देखने को मिले, जिनमें से सबसे बड़ा चेंज था कि बोलेरो जैसी गाड़ी जिसे लोग बाग इतना ज्यादा पसंद करते हैं और खरीदते हैं, वो भी टॉप 25 सेलिंग कार्स की लिस्ट में नहीं थी. लेकिन इस वीडियो में मैं जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप बोलेरो की पोजीशन के साथ साथ बाकी एसयूवीज की हालत को भी जान सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. 20th पोजीशन पर है मारुति की एस क्रॉस, जिसकी 2116 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में. इसके बाद 19th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगुन, जिसकी 2432 2432 यूनिट्स बिकी हैं जनवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर. टाइगुन और कुशैक एक ही गाड़ी है, सेम प्लेटफॉर्म, सिमिलर इंजन के साथ में, फीचर्स भी काफी कुछ हद तक सिमिलर मिलते हैं, लेकिन दोनों गाड़ियों की सिर्फ शक्ल अलग अलग है. लेकिन फिर भी टाइगुन की बिक्री कुशैक से हमेशा ही कम होती है. 18th पोजीशन पर है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जिसकी 2590 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में. इसके बाद 17th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 2608 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में. शुरुआत में जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था तो काफी सारे दिक्कतें आ रही थी इस गाड़ी में. ईपीसी एरर आ जाता था गाड़ी में, फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आ जाती थी, चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती थी. लेकिन अब जाकर उन दिक्कतों को कहीं ना कहीं सॉल्व कर लिया गया है. आगे बढ़े तो 16th पोजीशन पर है टाटा की हैरियर, जिसकी 2702 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में. आप देख सकते हो कि हैरियर कितनी ज्यादा बिक रही है अपनी सेगमेंट में. इनफैक्ट टाइगुन, कुशैक और अर्बन क्रूजर से ज्यादा कस्टमर्स हैरियर को मिल रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि टाटा ने कभी खुद भी सोचा होगा कि वो एक इतनी महंगे बजट की गाड़ी लॉन्च करेंगे और उसे लोग बाग इतना पसंद करेंगे. हालांकि शुरुआत में हैरियर की बिक्री इतनी अच्छी नहीं थी, मुश्किल से 1000 या 1500 ही बिक पाती थी, लेकिन अब इसकी बिक्री लगभग डबल हो चुकी है. आगे बढ़े तो 15th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 3026 यूनिट बिकी है पूरे भारत में. पिछले कुछ महीनों के हिसाब से देखा जाए तो इसकी बिक्री थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन फिर भी आज भी काफी दम से बिक रही है ये गाड़ी. लोग बाग अभी भी इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. इस साल इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं ऐसा लगता है कि बीतते समय के साथ इसकी नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्च अगले साल चले जाएगा. 14th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी 3053 यूनिट बिकी है पूरे भारत में. काइगर एक काफी अच्छी गाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एसयूवी वाला लुक इसमें नहीं आता, या तो एक क्रॉसओवर या फिर एक बड़ी हैचबैक वाला लुक देती है ये गाड़ी. इसके बाद 13th पोजीशन पर है हुंडई की अल्कज़ार, जिसकी 3168 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में. अल्कज़ार को हुंडई वाले एसयूवी बोलते हैं, लेकिन इसकी शक्ल या फिर बाकी चीजों के हिसाब से देखा जाए तो ये एक एसयूवी से ज्यादा ये एमयूवी नजर आती है. फीचर्स तो इस गाड़ी में पेट भर के मिल जाते हैं, लेकिन बात करें हम स्पेस की तो इस मामले में ये अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से पीछे रह जाती है. इसके बाद 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 3506 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में. हर महीने ये गाड़ी इतनी तो बिक जाती है कि जैसे तैसे टॉप 25 सेलिंग कार्स की लिस्ट में अपनी जगह बना ही लेती है, और टॉप सेलिंग एसयूवीज में भी अच्छी खासी पोजीशन पर होती है. लेकिन इस महीने इसकी बिक्री उतनी अच्छी हुई नहीं, जिसकी वजह से बाहर निकल गई और 12th बेस्ट सेलिंग एसयूवी है.
इसके बाद 11th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 3827 3827 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। नेक्सॉन के बाद 10 लाख के अंदर के बजट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज कोई देता है तो वो है मैग्नाइट। इस अकेली गाड़ी ने निसान के बल्ले बल्ले कर रखे हैं इंडिया में। इसके बाद 10th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700 जिसकी 4119 4119 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जनवरी के महीने में इस गाड़ी की डिलीवरी फिर भी ठीक ठाक हुई है, लेकिन अभी भी महिंद्रा को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी उनकी गाड़ी देनी पड़ेगी। इसका वेटिंग पीरियड 1 साल से भी क्रॉस कर चुका है। 9th पोजीशन पर है वापस से महिंद्रा की XUV 300 जिसकी 4550 4550 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो ये गाड़ी डिजर्व करती है काफी अच्छी सेल्स, लेकिन महिंद्रा ने चुपचाप से कंफर्ट और सेफ्टी दोनों के फीचर्स कम कर लिए हैं इस गाड़ी में से, जिस वजह से इसकी बिक्री में थोड़ा सा असर देखने को मिला। 8th पोजीशन पर भी वापस से महिंद्रा की गाड़ी है थार, जिसकी 4646 4646 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। थार की हालत भी कुछ कुछ XUV 700 जैसी है। जब से लॉन्च हुई है डिमांड तो तगड़ी है मार्केट में, लेकिन सप्लाई उतनी ही कमजोर है, जिस वजह से वेटिंग पीरियड इस गाड़ी का भी 1 साल से ऊपर निकल चुका है। आगे बढ़े तो 7th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 6904 6904 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जनवरी के महीने में किया की गाड़ियों को फिर भी लोग बागों ने काफी पसंद किया है। कैरेंस भी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, देखते हैं उसकी बिक्री कैसी रहती है। 6th पोजीशन पर है मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 9576 9576 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आमतौर पर ब्रिजा टॉप 3 सेलिंग एसयूवीज में होती ही होती है, लेकिन इस बार 6th पोजीशन पर लुढ़क कर गिर गई है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इस गाड़ी का एक नया मॉडल जल्दी ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसकी वजह से लोग बाग उसका इंतजार कर रहे हैं और पुराने वाले मॉडल को खरीदने से थोड़ा बहुत बच रहे हैं। आगे बढ़े तो 5th पोजीशन पर है हुंडई क्रेटा, जिसकी 9869 9869 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री जनवरी के महीने में कम रही है। वैसे हर बार ये टॉप सेलिंग एसयूवी या फिर सेकंड बेस्ट सेलिंग एसयूवी होती है, लेकिन इस बार 5th पोजीशन पर लुढ़क कर गिरी हुई है। इसके पीछे का कारण आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। आगे बढ़ते हैं तो 4th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की पंच, जिसकी 10027 10027 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पहली बार पंच का सेल्स फिगर 10,000 यूनिट्स को क्रॉस किया है। लॉन्च होने के बाद इसकी बिक्री लगभग 8,000 के आसपास रहती है। किसी महीने 8,000 बिकी थी, किसी महीने 8,500 और एक महीने तो काफी कम रह गई थी 6,000 के आसपास, लेकिन जनवरी में काफी अच्छी शुरुआत मिली है इस गाड़ी को। और 3rd पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 11,377 11,377 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और ऊपर चलते हैं तो 2nd पोजीशन पर आई है महीनों के बाद किया की सेल्टॉस, जिसकी 11,483 11,483 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ऐसा काफी लंबे समय बाद देखने को मिला है कि सेल्टॉस की बिक्री क्रेटा से ज्यादा हुई है और ये सेकंड बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई है। इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि इस गाड़ी का फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में आएगा, जिसके बाद इसकी बिक्री में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में, तो वो है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, जिसकी 13,816 13,816 यूनिट्स बिकी हैं जनवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर। आप देख सकते हो कि एसयूवीज के मार्केट में इंडियन कंपनीज का एक तरफा बोलबाला है। तो फ्रेंड्स देखिए खुशी हुई है, क्योंकि वो जो हमने देखा था, उन्होंने जो दिखाया था मार्केट शेयर, क्या बोलते हैं उसको, सर्कल चार्ट, पाई चार्ट जो भी, तो वो उसमें तो उन्होंने दिखाया था जिस तरह से, अब ऐसे लग रहा है कि वो चेंज हो रहा है। ये सिर्फ एसयूवीज की थी, पर ये एसयूवीज की थी, सिर्फ एसयूवीज की थी। वो तो उन्होंने टोटल मार्केट शेयर दिखाया था कार्स का, जिसमें टाटा और महिंद्रा काफी कम थे। अब एसयूवीज में बहुत अच्छी बात है कि टाटा की लीड है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टाटा के पास पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ चुकी है जैगुआर की, लैंड रोवर जो है डिस्कवरी, लैंड रोवर जैगुआर की पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ चुकी है। उसका मतलब यह है कि उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी आ चुकी है मैन्युफैक्चर करके अपनी सुपीरियर कार्स बनाने की। वो सारी अपनी जो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई है, वो जो नॉलेज आई है, वो सब लगेंगी अपनी गाड़ियों में। उनकी गाड़ियां बहुत जबरदस्त आगे बढ़ने वाली है दूसरों से, होता है और लग्जरी कार्स भी सब कुछ। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मूव थी ये टाटा मोटर्स की पहले की आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके आइए, और वो लेने के बाद अब मेरे ख्याल से टाटा का कोई हरा नहीं सकता। तो देखेंगे क्या होता है, बट वेरी नाइस वीडियो, मजा आ गया देखने में। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।